बात का गुमान हो या ना हो, लेकिन उसे इस बात का गुमान जरूर होना चाहिए कि रीवा के सांसद स्वच्छता को लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं। उनकी गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी चिंतित है, साथ ही रीवा जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी चिंता में हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान सोमवार को सेवा पखवाड़े के दौरान स्कूल के गंदे शौचालय को सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा साफ करने को लेकर विधायकों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। विधायक प्रदीप पटेल व दिव्यराज सिंह ने स्कूलों के शौचालयों और व्यवस्था के सत्यापन कराने की बात कही। वहीं कलेक्टर मनोज पुष्प ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि वह सुनिश्चित करें कि स्कूलों के शौचालय साफ हों, ऐसा नहीं होने पर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की बैठक में सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया तथा आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री राम किशोर कावरे के अभियान की समीक्षा की। बैठक में सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि शासन की हर योजना का लाभ पात्र हितग्राही हो अवश्य मिले। जन सेवा अभियान में शामिल 33 योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को 31 अक्टूबर तक लाभान्वित करने का प्रयास करें। ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्र के वार्डों में आयोजित शिविरों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समितियों का गठन करें। कोरोना काल में जिस तरह की समितियां बनाई गई हैं, उन्हीं की समिति बनाएं। इसके अनुरूप स्थानीय कर्मचारियों तथा जागरूक नागरिकों को शामिल कर पात्र हितग्राहियों के दें लाभ। बैठक में राज्य मंत्री कावरे ने कहा कि जन सेवा अभियान के दौरान हर पात्र हितग्राही को योजनाओं का लाभ दें। अभियान में शामिल एक योजनाओं के अलावा भी अन्य विभागों की योजनाओं के हितग्राहकों को लाभान्वित करें। जिले में सराहनीय नवाचार किए जा रहा है, प्रत्येक पंचायत में मुनगा का रोपण कराएं। बैठक में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि जिले भर में 2,60,000 से अधिक मुनगा के पौधे रोपित किए गए। बैठक में विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह ने संरक्षित क्षेत्र बनाकर मुनगा रोपण का सुझाव दिया। बैठक में विधायक त्योथर श्याम लाल द्विवेदी तथा जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल एवं विधायक प्रतिनिधि देव तालाब ने भी उपयोगी सुझाव दिए। सहकारिता मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर को समितियों में गबन करने वालों को जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री ने किसकी अभियान में प्राप्त अभी केवल 40% आवेदन पत्र ही ऑनलाइन दर्ज किए हैं। इस पर असंतोष जाहिर करते हुए सभी आवेदन पत्रों को ऑनलाइन दर्ज कराने के निर्देश सीईओ को दिए।